बलतेज पन्नू कनेडियन सिटीजन होंदे हुए ओसीआई होल्डर आ, यानी कि ओसीआई कार्ड हुंदा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इस कार्ड के जेडे धारक हुंदे आ उन्होंने कुछ शर्त आयद हुंदियां कि जड़ियाँ शर्त यूनियन होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय कीतियां, उन्हां शर्तां दियां धज्जियां बलतेज पन्नू किवें उड़ाया। कहिंदे जी करिए की, प्रैशर बड़ा, बलतेज पन्नू परचा कैंसल होण ही नहीं दिंदा, मैं किवें आदेश मन्ना उपरले अधिकारियों दे। ते फिर किवें कहीए कि आम आदमी पार्टी दे संबंध खालिस्तानियों नाल है नहीं, नेड़ों दूरों पहलां भी इस पार्टी ते इल्जाम लगते रहे आ। इस चोणां तों पहलां पिछलियां चोणां इसे करके हारे सी, जदों केजरीवाल ते इल्जाम लग गया सी कि बठिंडे जाते हुए जलंधर एक अतवादी के किसी रिश्तेदार के घर ठहर गए थे। मनना तो होगा जी, बंदे दे विच कोई युक्तता है, इतने बंदे नूं पिछे लाई फिरिया हुण तक 34,000 के करीब इन्हां दे फेसबुक ते फॉलोअर आ। पंजाब दस्तावेज के दर्शकों लई मैं रजिंदर सिंह तगल लैके हाजिर हाँ एजेंडा। अज के एजेंडे वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, देखते रहना, क्योंकि मसला बड़ा गंभीर ते वड्डा मैं थोड़े सामने रखन लग्या। गल करन लग्या मैं एक बहुत ही वड्डे प्रभावशाली इंटरनेशनली फेमस बंदे दी। उस बंदे ने अजकल भारत दे विच पटियाले दे विच अपना स्थान बनाया होया। ये व्यक्ति 25 साल ब्रैम्पटन कनेडा विच रहने तो बाद साल 2000 दे विच भारत आ गया। आजकल ये व्यक्ति पंजाब सरकार का एक वड्डा अधिकारी है। मेरी मुराद बलतेज पन्नू डायरेक्टर मीडिया रिलेशंस तो हैं, जिहड़े कि सोशल मीडिया ते एक्टिविस्ट वजों आउंदे ने, एक रेडियो के उत्ते जर्नलिस्ट वजों गलबात करते हैं, तो अजकल पंजाब सरकार के डायरैक्टर मीडिया रिलेशंस ने पंजाब सरकार का जोड़ा इमेज उन्हों ठीक ठाक रखने वास्ते पत्रकारों विचरते हैं। बलतेज पन्नू कनेडियन सिटीजन होंदे हुए ओसीआई होल्डर आ, यानी कि ओसीआई कार्ड हुंदा, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इस कार्ड के जेडे धारक होंगे उन्होंने कुछ शर्त आयद होंदियां, वो शर्तों बारे भी थोनू दसांगे। थोनू ये भी दसांगे कि जड़ियाँ शर्त यूनियन होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय कीतियां, उन्हां शर्तों दियां धज्जियां बलतेज पन्नू किवें उड़ाया। बलतेज पन्नू अजकल पंजाब सरकार के खजाने चों लोगों का पैसा तकरीबन तनखा लगभग 1.5 लाख प्रति महीना हासिल कर रहा। वो पंजाब सरकार का एक मुलाजम है, पर ओसीआई दिया कंडीशन टर्म्स की कहदियां हैं स्क्रीन पर देखो, पढ़ो। वीडियो एडिटर को बेनती करांगा हाईलाइट करके दिखा देवे। तुसी देखिया कि इहदे विच कंडीशन लिखी है कि कोई भी ओसीआई होल्डर सरकारी पद हासिल नहीं कर सकता, वो अपनी प्रॉपर्टी जायदाद खरीद सकता, वो सियासत दे विच हिस्सा नहीं ले सकता, वो होर प्राइवेट सैक्टर दे विच नौकरियां या कोई व्यापार वगैरह तक कर सकता, पर सरकारी नौकरी कताई नहीं कर सकता। भावें ये नौकरी कॉन्ट्रैक्ट ते होवे, भावें ये नौकरी रेगुलर होवे, उस नूं सरकारी खजाने चों लोगों के पैसे चो तनखा नहीं दिती जा सकती। पर पन्नू साहब अपन जड़ियाँ उन्होंने नज़दीकियां ने आम आदमी पार्टी नाल, आम आदमी पार्टी के नैशनल कन्वीनर केजरीवाल नाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दे नाल सदका इस पोजिशन से बैठे ने। उहदे बारे आपां फिर गल डिटेल करांगे कि किन्ने क नज़दीक ने ते की उन्हां दा इंपैक्ट की पै रहा। अगे आउंदे आ इस गल दी जिहड़ी तसदीक आ,
तनखा लेंदे आ 1.5 लाख के करीब प्रति महीना। ये सानू किदे राही तस्दीक हुई? राहुल भंडारी अडिशनल चीफ सैक्रटरी पबलिक रिलेशन डिपार्टमेंट, उन्हां दे राही ये सानू जानकारी प्राप्त हुई आ। यही सवाल असी पन्नू साहब नूं सवेरे 11:19 ते भेजा सी। सवाल कुल उन्हां नूं 11 भेजे आ। वह 11 सवालों का कंटैक्सट वक्रा वक्रा वह थानू वीडियो दे विच चलते चलते दसते जावांगे कि ये सवाल असी पुछया सी पर उन्होंने जवाब नहीं दिता। जवाब किसी सवाल का भी नहीं दिता। जवाब देन तां जे जवाब होवे, मेरा मानना है कि उन्होंने को जवाब है ही नहीं पन्नू साहब को, क्योंकि साड़ी जिहड़ी कार्रवाई आ, साड़ी जिहड़ी जांच आ पंजाब दस्तावेज की, वह डूंघाई तक गई आ। पुख्ता सबूतों के आधार पर असी गल करना जानते हैं। गलती भी हो सकती है कि जे हो दसी जाए। खैर अगे आने, अजकल पन्नू साहब दीयां गल्लां चर्चा दे विच रहिंदियां ने। सब तो पहली गल थानू सुनाने एक होर वीडियो, वह वीडियो है एक NRI की, जिहड़ा कि पटियाले दे विच एक प्लॉट का मालिक है, संत एनक्लेव च है। उन्हें किते 2004 या 2005 खरीदया सी, उहदी घरवाली ने खरीदया सी, वह मर गई। वह प्लॉट ते हुण जदों जांदा ते बलतेज पन्नू उन्हां नूं उत्थे वड़न नहीं दिंदे। सुनो वीडियो सुनो। हाँ जी, कित्थों आए हो? पटियाले तो। अच्छा दसो। ਸਾਡੇ ਪਲਾਟ ਕੁਲਦੀਪ ਬਲਤੇਜ ਪੱਲੂ ਨੇ ਰੋਕ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ CM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉੱਥੇ। ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 2 ਦਫ਼ਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਂ मैसेज पाया। दसो NRI ने यह सवाल चुकया, की कहने हो? कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। खैर ये तो तुसीं NRI की वीडियो देखी। हुण आउने अगे गल करांगे खालिस्तान की। खालिस्तान दे विच जिहड़े मसले ने, वो खालिस्तानी ने जिहड़े, वह बलतेज पन्नू दे किन्ने सहयोगी ते किन्ने हमायती ने, लो तुहानूं सुणाउने आ। इंटरनेशनल पत्रकार बलतेज पन्नू साहब उहनां व्यक्तियों नाल उठते बैठते रहे ने कनेडा दे विच, जिन्हां नूं कहा जांदा है कि वह ब्लैकलिस्टड आ भारत वल्लों, नहीं आ सकते भारत, क्योंकि वह भारत की अखंडता, यूनिटी एंड इंटैग्रिटी का विरोध करते आ, उहदे लई कारवाइयां करते आ। एक शख्स इहो जिहा जिहड़ा कि तलविंदर परमार, जिहड़ा कि कनिष्का बॉम्ब ब्लास्ट दे विच उहदा नाम आया सी, शामिल सी। 329 बंदे यात्रु, ज़्यादा भारती, ज़्यादा पंजाबी ते कुछ अंग्रेज़ मिड एयर ब्लास्ट दे विच जहाज़ दे विच मारे गए। इस तलविंदर परमार दे एक साथी नाल बलतेज पन्नू दीयां नज़दीकियां ने दसदे किवें, इहदा थोड़ा जिहा पिछोकड़ है, गल समझाउण लई ना तुहानूं पिछोकड़ दसणा पैणा। नवंबर 28, 2015 एक औरत नैन्सी घुमण बलतेज पन्नू ते बलात्कार के इल्जाम लाउंदी आ। उन्हां तों बाद मसला यह हुंदा कि पन्नू की गिरफ्तारी हो जाती है। इस रेप मामले दे विच किवें गल अगे वधी, की होया, हुण की स्टेटस है, कोर्टां दे विच मामला कित्थे खड़ा, पन्नू साहब बरी हो गए किवें हो गए, 2019 बरी, वह सारिया गल्लां तुहानूं अगली वीडियो दसांगे। पर अज दे इहदी गल करनी आ, जदों गिरफ्तारी हो गई उदों बाद फिर की होया? उस वक्त खालिस्तानी बबर खालसा इंटरनेशनल दे कुख्यात खालिस्तानी वो मैदान च आ गए, पन्नू साहब दे हक च आ गए।
कनेडा दे विच टोरंटो ते होर शहरां दे विच। ते ओ की कहिंदे आ जी, उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार दी उदों बादल दी सरकार सी, श्रोमणी अकाली दल भाजपा दी सरकार सी, ओदी बुच्चड़गर्दी सामने आ गई। लैंग्वेज देखो, बुच्चड़गर्दी सामने आ गई। होर सुनो, डिटेल सुनावांगे तुहानू, तुहानू दसदे आ उन्हां खालिस्तानियां बारे जिन्हां ने पन्नू साहब के हक में पन्नू नूं छुड़ाउण वास्ते, रिहाई कराउण वास्ते वख-वख थावां ते रैलियां कीतियां, सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया, पटीशन शुरू कीतियां, उस वक्त के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नूं दरखास्तां दित्तियां कि वो एक कैनेडियन सिटीजन आ, कैनेडियन सिटीजन नूं भारत सरकार ने फड़ लिया, तुसीं जी हुण अपना फॉरन मिनिस्ट्री के लैवल ते इंटरवीन करो, साढ़े बंदे नूं छुड़ाओ। खैर, छड़िया नहीं गया, 72 दिन अंदर रह के आया, 72 दिन बाद जमानत हुई। एनीवे, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, अगली वीडियो गल करांगे। सो जी, सब तो पहली जिहड़ी पोस्ट पाई बलतेज पन्नू दे हक विच खालिस्तानी रामपाल सिंह ढिल्लों, पोस्ट डेटेड 4 दिसंबर 2015। की लिखदे आ, फैडरल गवर्नमेंट नूं तुरंत चाहीदा कि कनेडियन जर्नलिस्ट बलतेज पन्नू नूं रिहा करवाउण लई इंडिया सरकार नाल जल्दी तो जल्दी गलबात करे। ये तो कहता जी रामपाल सिंह ढिल्लों ने। तुसी आ फोटो भी देख लो स्क्रीन पर, देख ली होनी ध्यान नाल। ते अगे आउने आ दूजी वीडियो पाई तरलोचन सिंह मांझ ने, एक होर खालिस्तानी, मशहूर खालिस्तानी जिन्हों मर्जी पुछ लो कनेडा च जाके, जिहड़े मर्जी पंजाबी पत्रकार नूं पुछ लो। डेटेड 27 नवंबर 2015, ये लिखते हैं जी, भारत सरकार की बुच्चड़गर्दी। तो ये तरलोचन सिंह मांझ ने लिखा कि जी, एक्स मिनिस्टर सिकंदर सिंह मलूका, उदों मंत्री सीगे हुण एक्स हो गए, ने पन्नू साहब नूं पहले ही धमकी देती सी एक कनेडियन रेडियो के उत्ते बोलदे हुए। उन्हां कहा सी कि जे पन्नू झूठियां, क्या तो ही होना भी गलत प्रचार कर रहा, बेसलैस खबर छापता, जे वो बाज नहीं आता तो उन्होंने फिर भुगतना भी पै सकता। तो यहोजी खबर झूठिया छापण करके तो 90,000 का जुर्माना डॉलर का वह भी होया, बारे भी दसद। तीजी पोस्ट पाई तेजिंदर सिंह ने, जिहड़ा कि तलविंदर सिंह परमार का राइट हैंड मैन आ। तरीक सी 28 नवंबर 2015। चौथी पोस्ट पाई सुखमंदर हंसरा, जिहड़े कि हुण स्वर्गवास हो चुके आ। तरीक सी 28 नवंबर 2015। ये तो इन्हां खालिस्तानियां ने पोस्टां पा के हमायत की पन्नू साहब की। तो जो भाषा वरती गई है उस बारे तुहानूं दस दें, लिखदे जी, एक पोस्ट लिखा गया, थप्पड़ खाण वाला पंचायत मंत्री, मतलब कि सिकंदर सिंह मलूका, पंजाब सरकार की बुच्चड़गर्दी सामने आ गई, बुला बुला बुला। हुण तस्वीर दिखाने थोनू, 4 तस्वीर दिखावे, वो अपनी कहानी खुद बयान कर दिया किवें पन्नू साहब खालिस्तानियां दीयां स्टेजां ते खड़ के डट के बोल रहे हैं। ये 4 तस्वीर मैं वीडियो एडिटर नूं कहूँगा कि हौली हौली स्क्रीन पर लिया जाए तो थानू दिखाता जाए, तुसीं खुद पढ़ लिओ, देख लिओ किवें कि खालिस्तानियां दा लिखा हुआ जी जेनोसाइड के विरुद्ध साडी यह प्रदर्शन आ या रैली आ, या कहा जा रहा है जी किवें भारत दे विच सिखां नूं मारिया गया, 84 दंगे हुए जी, ऑपरेशन ब्लू स्टार होया। वो ये कोई वड्डी गल नहीं है कि संत जरनैल सिंह पिंडराणा की फोटो लगी हो, जगतार हवारे की फोटो लगी हो, प्योरे की लगी हो, सारे ने लगिया हुई फोटो, तुम ध्यान ना देखोगे सू दिखणगियां। तो फिर किवें कहीए कि आम आदमी पार्टी के संबंध खालिस्तानियों नाल है नहीं, नेड़ों दूरों पहला भी इस पार्टी के इल्जाम लगते रहे हैं, इस चोणों तो पहला पिछलियां चोणा इस करके हारे से, जदों केजरीवाल ते इल्जाम लग गया सी कि बठिंडे जाते हुए जलंधर एक अतवादी के किसी रिश्तेदार के घर ठहर गए सी खालिस्तानी दे, हाँ जी, तो कितनी चर्चा हुई सी किवें बीजेपी RSS ने रौला पा के, अकालियां ते कांग्रेस ने रौला पा के उदों भी जित रही सी आम आदमी पार्टी, हराती सी किन्हां करके, इन्हां लक्षणां करके।
ਤੇ ਉਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਡ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਪ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਚਰਚਾ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਟੋਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਰੋਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਓਨਟੈਰੀਓ ਤੋਂ ਐੱਮ ਪੀ ਪੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੰਨਣਾ ਤਾਂ ਪਊਗਾ ਜੀ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਫਿਰਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ, 34,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਫੋਲੋਅਰ ਆ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੋਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨੀ ਛੇੜ ਅਤੇ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਇਨੋਸੈਂਟ ਆ, ਅਨਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਅਨਇਨੀਸ਼ੀਏਟਡ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਗੱਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਲਤੇਜ਼ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੰਨ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਗਾਰਾ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝੂਠੀ ਝਾਠੀ ਖਬਰ ਛਾਪਤੀ, ਅਤੇ ਛਾਪੀ ਵੀ ਰੈਕਸਟੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੜ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਰੇੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸ ਹਾਰ ਗਏ। ਕੋਰਟ ਨੇ $90,000, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਕੋਈ 74-75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ, ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ 2000 'ਚ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਮੇਰੇ ਉਲਟਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਂ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਤਰਾ ਵਾਚ ਜੀਏ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ $20,000 ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਰੋਇਲ ਬੈਂਕ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ 20,000 ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆਏ, ਮੋੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਿਮਿਟ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਕਢਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਨੇਡਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਢਾ ਦਿਉ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਢਾ ਕਢੂ ਕੇ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੋਟੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਾਹਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾ ਲਈ, ਇਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜਤੀ, ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀਆਂ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਛਾਪਾਂ, ਨਾ ਚਲਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਪੰਨੂ ਤੋਂ, ਤਗੜ ਵੀ ਰਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਲਾ ਬਲਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ।